गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा नगर से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, और यहाँ के उत्खनन में क्या क्या चीज़ें मिली है, और किस नदी के किनारे पड़ता है। तो उसी के सीरीज में आज हम देखेंगे मोहनजोदड़ो, जो एक स्थान था इसी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं उसके बारे में देखते हैं, और इसके उत्खननकर्ता कौन है। तो इसको जो खोजा था वो राखलदास बनर्जी जी ने खोजा था 1922 ईस्वी में। और इस मोहनजोदड़ो की खोज जो किसने की थी, तो वो राखलदास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और इसका जो अर्थ है, इसका जो दूसरा नाम है मोहनजोदड़ो को, जो दूसरे एक और नाम से जाना जाता है उसका, मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मृतकों का टीला किस स्थान को कहा जाता है, तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी अन्नागार। अन्नागार को जब यहाँ पर खोजा गया तो सबसे बड़ी इमारत इस प्लेस पे जो सबसे बड़ी इमारत मिली है वो है अन्नागार। और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध इमारत हुआ करती थी वो थी विशाल स्नानागार, जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई है 7.08 मीटर, और इसकी जो गहराई है वो है 2.43 मीटर। ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई हुई। और ये सब जो स्नानागार था ये सबसे प्रसिद्ध यहाँ का प्लेस था। और अगला, यहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं ये देखते हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसके उत्खनन में मिली हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ से जो मिली है, वो है, एक मिली है नटराज की मूर्ति, और इन्हें नृत्य का देवता भी कहा जाता है। जो मिली है वो नटराज की मूर्ति मिली है, और इन्हें नृत्य का देवता भी कहा जाता है, और इनको भगवान शिव का रूप भी माना जाता है। जो ये नटराज की नृत्यकी की मूर्ति मिली है, इन्हें नृत्य का देवता और भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। और जो अगला मिला है वो पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति की मूर्ति भी यहीं से ही मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो के स्थान से ही मिली है पशुपति की मूर्ति। और इन्हें भी भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता था, और इनके चारों ओर जो जानवर थे उनके नाम वो थे हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। इन चारों जानवरों के साक्ष भी इनके चारों रूप उनके चारों तरफ मतलब दर्शाया गया था। और जो सबसे बड़ा स्वास्तिक चिन्ह है, ये सबसे पहले जो कहाँ से मिला था, कहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह के बारे में पता चला, तो वो यहीं से मिला था। मोहनजोदड़ो से ही स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष भी यहीं से मिला था, मोहनजोदड़ो से ही। तो मोहनजोदड़ो से ही स्वास्तिक चिन्ह का वो साक्ष मिला है। और अगला जो है वो कौन सी चीज मिली है, हम एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है। पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली है, और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी हुई थी। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, और एक सिंगारदान भी मिला है, मेकअप बॉक्स भी मिला है यहाँ से, सिंगारदान जिसमें मेकअप की सारी चीजें उपलब्ध थी उसमें सारी जो मिला है वो हड़प्पा के हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुआ है। और जो अगली चीज मिली है वो यहाँ से मिली है, प्रत्येक मकान में एक कुआं भी यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर जब इस प्लेस को जब खोजा गया तो यहाँ हर एक घर में एक कुआं के साक्ष मिले हैं। जो घर में घर के अंदर ये लोग अपने कुआं भी हुआ करता था इन सभी के घरों में। और जो अगला मिला है वो सूती कपड़ा के साक्ष यहाँ से मिले हैं, सूती कपड़ा के साक्ष भी मिले हैं। और जो अगला मिला है वो घोड़े के दांत भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और गला हुआ तांबा भी यहीं से मिला है। ये मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा मिला है, और मोहनजोदड़ो में जब खोजा गया तो प्रत्येक मकान से एक कुआं भी मिला है, और मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत के साक्ष मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से ही गला हुआ जो तांबा है उसके साक्ष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से ही। और मोहनजोदड़ो से ही एक सिंगारदान की मेकअप बॉक्स भी मिला हुआ है उत्खनन में। और जो अगला ये था हमारा मोहनजोदड़ो से हमें इतनी सारी चीजें प्राप्त हुई है। अगर इसमें कोई भी चीज आपको लगता है कि छूट गई है
कि ये चीज हमने ऐड नहीं किया या फिर आपने कहीं और कुछ और पढ़ा हो किसी बुक में, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी चीज इसमें छूट गई है जो मोहनजोदड़ो में हमने ऐड नहीं की है। तो हमें हालांकि इतनी चीजों की जानकारी है और इतनी चीजें जो है वो मोहनजोदड़ो प्लेस से प्राप्त हुई है उनके उत्खनन में। तो इसमें हम जो है हड़प्पा सभ्यता 1 महीना पढ़ के हम लोग इसमें जितने भी प्लेस हैं, जितने भी प्लेसों से जो जो भी अवशेष मिले हैं उन प्लेसों को हम अलग अलग पढ़ेंगे और अलग अलग ही हम उनको देखेंगे कि किस प्लेस से क्या चीज हमें मिली है। इससे हमें याद करने में ज्यादा आसानी होती है। जब एक में रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से क्या चीज मिला है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं कि तो हम उसको एक अच्छे ढंग से जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ेंगे। तो हम पहले एक एक स्थान देख रहे हैं। पहले हमने हड़प्पा अगली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस प्लेस में हमने मोहनजोदड़ो में देखा कि कितनी सारी चीजें यहाँ से मिली हैं और यहाँ जो मोहनजोदड़ो से है वो नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह और पुरोहित राजा की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति और एक मेकअप बॉक्स और प्रत्येक मकान में कुआं, घोड़े के दांत के साथ गला हुआ तांबा, सूती कपड़ा, इतनी सारी चीजें यहाँ मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई हैं। और आगे हम एक और प्लेस देखते हैं, इसमें जो है लोथल देखते हैं, लेकिन लोथल से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं और ये कहाँ किसके कहाँ पर था, ये प्लेस कहाँ पाया गया और इसकी खोज किसने की, तो आइए देखते हैं कि ये लोथल से हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो लोथल जो है वो भगुआ नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में पाया गया है। इसको खोजा गया था, ये भगुआ नदी के किनारे मिला और इसकी जो खोज की थी जो वो SR राव जी ने इसकी खोज की थी। इसके उत्खननकर्ता जो है वो है SR राव और ये कहाँ पर भगुआ नदी के किनारे पर पाया गया था जो अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। यहाँ से क्या चीजें और क्या चीजें प्रसिद्ध थी, यहाँ पर क्या था, तो वो उसके बारे में देखते हैं। तो वाणिज्य राजधानी, यह एक वाणिज्य इस जो हड़प्पा सभ्यता है इस सभ्यता की ये एक वाणिज्य राजधानी थी। इसे एक वाणिज्य राजधानी कहा जाता था। जो ये लोथल है ये वाणिज्य राजधानी है हड़प्पा सभ्यता का। और जो इस सभ्यता की दो और प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी, जो प्रशासनिक राजधानी थी वो दो कौन सी थी, वो थी एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो। ये दो जो थी वो प्रशासनिक राजधानी थी और लोथर जो था ये था वाणिज्य राजधानी। तो इस सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की जो वाणिज्य राजधानी था वो लोथल को माना गया और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी थी वो दो थे, हमने लिख भी दिया है, एक था ये हड़प्पा और दूसरा ये मोहनजोदड़ो। ये दो राजधानियां थी, ये प्रशासनिक राजधानी थी और इन्हीं दोनों राजधानियों को इन्हें जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। और इस पारस की मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं और इसी लोथल से ही पारस की मुद्राओं के साक्ष्य मिले हैं। और इसका जो पारस का जो आधुनिक नाम है वो ईरान है, जो अब इसे कहते हैं वो ईरान कहते हैं, पहले इसको वो पारस कहा करते थे। तो पारस की मुद्राएं भी यहाँ से मिली हैं। तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया गया कि जो लोथल के लोग थे वो पारस से व्यापार किया करते थे, तभी उनकी मुद्राएं यहाँ पर आई हैं, तभी उनके मुद्राओं के साक्ष्य यहाँ लोथल से मिले हैं। तो इसी इसी अनुमान से यही अनुमान लगाया गया कि लोथल के जो लोग हुआ करते रहे होंगे वो जो है वो पारस से व्यापार करते रहे होंगे, तभी आदान प्रदान लाने ले जाने का कार्य करते रहे होंगे, तभी उनकी जो मुद्राएं हैं वो यहाँ से मिली हैं, उनके जो साक्ष्य है वो यहाँ से मिले हुए हैं। और लोथल के लोग यहाँ से व्यापार करते रहे होंगे, मैंने लिख भी दिया है, तभी उनके जो है वो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं लोथल से। तो आइए देखते हैं कि लोथल में और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम, तो आइए देखते हैं आगे की चीजें और क्या क्या चीजें मिली थी। तो और जो चीज यहाँ से मिली थी तो जहाजों की गोदी मिली थी, जहाजों का साक्ष्य मिला था। और घोड़े की अस्थियां भी यहाँ से मिली थी, जो लोथल था यहीं से ही घोड़े की अस्थियां भी मिली थी, बोन्स ऑफ हॉर्स और चावल के दानों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे लोथड़ से भी हमने पहले भी बताया था। और लोथड़ से भी जो चावल के दानों के साक्ष्य थे वो चावल के दानों के साक्ष्य मिले थे। इसके पहले हमने बताया था कि हड़प्पा में
में जौ और गेहूं को ज्यादा जो प्रमुख फसलें थी वो गेहूं और जौ थी, लेकिन जो लोथर से हमें चावल के दानों के भी साक्ष्य मिले हैं और तीन युगल समाधियां भी यहाँ से मिली हैं। जो तीन युगल समाधियां मिली हैं वो यहीं से मिली हैं, लोथर से ही। तो थ्री कपल्स ग्रेव्स यानी कि तीन युगल समाधियां, जिसमें कि युगल मतलब एक आदमी और एक औरत को साथ में दफनाया जाता था, तो वो तीन युगल समाधियां यहीं से मिली हैं लोथर से। और एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला है यहाँ से, जो मम्मी किसको कहते हैं, तो एक मम्मी का साक्ष्य यहीं से मिला है जो लोथर से। और मम्मी किसको कहते हैं, तो जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, मृत शरीर को एक लेप लगाकर उसे पट्टियों से बांध दिया जाता है, उसी को मम्मी कहती है। और ये जो प्रथा थी ये ग्रीक में चला होती थी, ये जो प्रथा आरंभ थी उस समय वो ग्रीक की हुआ करती थी। तो इससे पता चलता है कि ये ग्रीक के लोगों से जो व्यापार का सिलसिला था वो ग्रीक के लोगों से जारी था, कि तभी यहाँ से वो प्रथा ग्रीक से यहाँ आई, जो लोथल में, लोथल की ग्रीक की जो प्रथा थी वो लोथल में पाई गई। एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला। और अब आइए कालीबंगा। कालीबंगा से हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें मिली हैं। तो कालीबंगा से मिली है जुते हुए खेत के साक्ष्य, जो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो हमें कालीबंगा से मिला है। और हवन कुंड भी कालीबंगा से मिला है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग हवन भी किया करते रहे होंगे, पूजा पाठ भी यहाँ ये लोग करते रहे होंगे। जुते हुए खेत के साक्ष्य और हवन कुंड ये है कालीबंगा से मिले हुए हैं। और काली मिट्टी की बनी चूड़िया भी कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा का अर्थ ही निकलता है काले रंग की चूड़िया, तो काली मिट्टी की बनी चूड़िया भी यहीं से कालीबंगा से मिली है। और हल के निशान यहाँ से मिले हैं कालीबंगा से, जो है वो हल के निशान मिले हैं। और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य जो मिले हैं वो भी कालीबंगा से ही मिले हैं। और घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो भी हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। जो कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा के घरों में मिला है। और कुछ युगल समाधियां यहाँ से भी पाई गई हैं, कालीबंगा से भी कुछ युगल समाधियां पाई गई हैं। और अगला जो हमारा प्लेस है नंबर फोर, वो है बनावली या बनवाली, यानी कि बनावली आप या फिर बनवाली। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, तो यहाँ पर मिली है हल की आकृति के बने खिलौने का साक्ष्य। जो हल की आकृति का बना खिलौना था और जिसके साक्ष्य हमें मिले हैं बनावली से। और अगला जो है वो तिल के साक्ष्य तथा सरसों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, बनावली से ही सरसों के साक्ष्य मिले हैं और तिल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ। और अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं बनवाली से। और नालियों के अवशेष एवं मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है, जो कालीबंगा सॉरी बनवाली से, जो बनवाली से मिला है बनावली से। वो अच्छे किस्म के जौ भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं और नालियों के अवशेष मिले हैं और मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है बनावली से। ये इनके भी साक्ष्य मिले हैं। और पशुओं एवं मनुष्यों की मूर्ति एवं पशुओं एवं मनुष्यों की जो मूर्ति मिली है वो यही बनावली से ही हमें प्राप्त हुई है। और पक्की जो है पक्की ईंटों की मोहरे भी यहीं से मिली है बनवाली से ही पक्की ईंटों की मोहरों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के प्लेस, जिनसे हमें कुछ जो उत्खनन में इनके उत्खनन में जो जो भी साक्ष्य मिले हैं मैंने उन सभी को इसमें ऐड कर दिए। जिसको किसी भी प्लेस से आपको लगता है कि वो छूट गया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी जो लिपि थी, इस हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, तो इस सभ्यता में की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। इसमें चिन्हों का प्रयोग किया गया था, इसमें कोई अक्षर या अल्फाबेट या किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें जो है वो उन्होंने लिपियों जो इसकी लिपि थी में 64 मूल चिन्ह, ये चिन्हों द्वारा अलंकृत की गई थी। इसे चिन्हों द्वारा दर्शाया गया था जिसे कि पढ़ा नहीं जा सका है। आप सभी को पता है कि प्रागैतिहासिक काल में किसी चीज को पढ़ा नहीं जा सका। हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें अभी तक किसी भी चीज को पढ़ा नहीं जा सका है, सिर्फ उसके साक्ष्य हमें मिले हैं। लेकिन ये क्या लिखा है, उन्होंने क्या बताने की हमें कोशिश की है, कौन सा चीज ये लिखे है, तो उसके बारे में हमें अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि
सिर्फ उन्होंने ये इतना पता चला है कि उसमें 64 मूल चिन्ह थे, जो चीज जो साक्ष्य मिले हैं उसमें 64 साक्ष्य थे, जिसमें कि उन्होंने आलंक चिन्हों द्वारा दर्शाया है। लेकिन वो क्या कहने की और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये हमें नहीं पता चल पाया, ये अभी तक इतिहासकार नहीं पता लगा पाए हैं। और यह एक भावात्मक एवं चित्रात्मक लिपि थी, या जो लिपि थी वो भावात्मक एवं चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी, और इस लिपि को विक्टोग्राफ का इस्तेमाल करके लिखा जाता था। जो इस लिपि को लिखा जाता था वो विक्टोग्राफ का इस्तेमाल करके लिखा जाता था। और इस लिपि को पहले इस लिपि को कैसे लिखा जाता था, तो इस लिपि को पहले दाएं से बाएं, फिर उसके बाद बाएं से दाएं, ऐसे इस लिपि को लिखा जाता था। इस लिपि को जो लिखा जाता था वो पहले, इस लिपि को लिखने का जो तरीका था, वो लोग जो लिखते थे तो पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, तो ऐसे ये लिपि लिखी, ऐसे ये लोग ये लिपि लिखते थे। ये लिपि जो लिखी जाती थी वो ऐसे ही लिखी जाती थी। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्लेसों की जानकारी, कि किन किन प्लेसों से क्या क्या चीज हमें, किन किन चीजों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अगली जो वीडियो होगी तो उसमें हम ये देखेंगे कि हड़प्पा के सभ्यता किस चीज़ का इंपोर्ट और अपोर्ट किया करते थे, किन चीज़ को आयात और निर्यात करते थे, वो किन चीज़ों से व्यापार किया करते थे, और उन चीज़ों को कहाँ से मंगवाते थे, वो लोग कहाँ से व्यापार करते थे, कहाँ किन किन देशों से व्यापार करते थे, किन किन चीज़ों का आयात और निर्यात किया करते थे, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और सारे प्लेसों को हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, और कौन सी चीज कहाँ से मिली है ये भी हमने देख लिया है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज भी चीज इसमें छूट गई है तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी क्लास कैसी लगी ये तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आई चीजें, कुछ नया मिला, कुछ पढ़ने का तरीका अच्छा मिला या नहीं मिला। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली के लिए। दो लाइनें जरा गौर कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफलता के लिए खुद के पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।